तो फ्रेंड्स चलते हैं आज हम आपको एक और नई डिजाइन की ड्रेस बना के बताएंगे लड्डू गोपाल जी के लिए तो ड्रेस हम बनाएंगे दो से तीन नंबर लड्डू गोपाल जी के लिए तो बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो कलर लिए हैं ऑरेंज कलर और ब्लू कलर और नौ नंबर की हमने सिलाई ली है तो ये दो कलर से हम लड्डू गोपाल जी के लिए राजस्थानी आज ड्रेस बनाएंगे तो ड्रेस को हम राजस्थानी बनाएंगे तो देखिएगा राजस्थानी ड्रेस का जो घेरा होता है वो छोटा होता है लंबाई में और चौड़ाई में ज़्यादा होता है फैला फैला तो उसी तरीके की हम आपको ड्रेस बना के बताएंगे तो हम चोली से बनाना इसको स्टार्ट करेंगे तो चोली को बनाने के लिए हमने यहाँ पे दो चार छ आठ दस बारह चौदह चौदह फंदे डाल लिए हैं ये चौदह फंदे डालने के बाद में हम बॉर्डर बनाएंगे पहले तो बॉर्डर हम एक कलर से बनाएंगे और चोली हम जो बाकी ड्रेस बनाएंगे एक कलर से बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे इस ड्रेस को तो यहाँ पे हम इस तरीके से बनाएंगे ये सीधी सिलाई को हमने पूरा उल्टा उल्टा बना लिया अब उल्टे तरफ आ गए हैं तो उल्टे तरफ से भी इसको हम बनाएंगे उल्टा उल्टा तो फ्रेंड्स इसको बनाना बहुत ही जी बहुत ही आसान है और बहुत ही कम समय में भी ये बन के तैयार हो जाती है तो वीडियो अच्छे लगे प्लीज़ लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट्स करके ज़रूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तो देखिएगा एक सिलाई बना ली है एक और बना लेते हैं तो हमने यहाँ पे बॉर्डर बना लिया है दो सिलाइयों का अब हम चोली बनाएंगे तो चोली बनाने के लिए हमने यहाँ पे जो हमारा ये ऑरेंज कलर है इसको बना लिया है उल्टे तरफ से आगे हैं सीधे तरफ अब सीधे तरफ से पहले फंदे को बनाएंगे सीधा आगे के पार्ट के लिए अब धागे को अपनी तरफ किया यहाँ पे एक जाली बनाई फिर धागा अपनी तरफ फिर देखिए इस तरीके से सीधा बनाते हुए धागे को ऐसे रखेंगे तो यहाँ पे हमारी जाली बन जाएगी और ये हमारा जाली से फंदा बढ़ जाएगा तो दो जाली बन गई अब एक बाजू का फंदा सीधा फिर धागा अपनी तरफ एक जाली बनाई फिर धागा अपनी तरफ यहाँ पे दूसरी जाली बनाई अब एक दो दो फंदे ये सीधे पीछे वाले पार्ट के लिए फिर धागे को अपनी तरफ करेंगे यहाँ पे एक जाली बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ दूसरी जाली बनाई फिर एक फंदा सीधा बाजू के लिए दूसरी वाली बाजू के लिए फिर यहाँ पे एक जाली और ये हमारी दो जाली और एक फंदा ये आगे वाले पार्ट के लिए तो एक, एक फंदा हमारा आगे वाले पार्ट के लिए हो गया एक एक हमारा बाजू का और दो फंदे हमारे पीछे वाले पार्ट में इस तरीके से हम इसको बना लेते हैं उल्टे तरफ से सभी फंदों को यहाँ पे उल्टा उल्टा बनाना है ये बनाया हुआ फंदा भी और देखिए ये जाली है इसको भी उल्टा बनाना है सभी फंदों को उल्टा बना लेंगे देखिएगा यहां पे हमने उल्टा बना लिया अब सीधे तरफ आ गए हैं तो सीधे तरफ से फिर से जाली हम बनाएंगे तो पहला फंदा जो है उसको सीधा बनाएंगे और यहाँ पे पहली जाली को भी हम सीधा बनाएंगे तो इस जाली वाला फंदा हमने सीधा बनाया तो एक फंदा बढ़ गया अब धागे को अपनी तरफ करेंगे अब इस सीधे फंदे पे हम हर बार ये जाली बनाएंगे दूसरी जाली को यहाँ जाली पे बनाएंगे और बीच में जो सीधे फंदे हैं इन दोनों फंदों को सीधा बनाएंगे बाजू के लिए और पहली जाली को भी हम हर बार सीधा बनाएंगे जो हमारी पहली जाली आएगी दिखेगा जैसे हम दो जाली डालते हैं इस सीधे फंदे पर बनाते हैं एक इधर और एक इधर तो जो इधर वाली आएगी उसको हम सीधा बनाएंगे और धागा फिर से अपनी तरफ करेंगे इस सीधे फंदे पे जाली को बनाएंगे फिर तो धागा अपनी तरफ दूसरी जाली पे जाली बनाएंगे अब जो सीधे फंदे हैं इनको यहाँ पे सीधा सीधा ये बनाएंगे और ये जाली को भी सीधा ही पीछे के पार्ट के फंदे हो गए यहाँ पे अब फिर से धागा अपनी तरफ करेंगे फिर ये जाली बनाएंगे दूसरी जाली को यहाँ जाली पे अब ये दूसरी वाली बाजू के दो फंदे सीधे हैं तो दोनों फंदों को ये सीधा बना लेंगे अब ये जाली को भी सीधा बनाएंगे अब देखिए इस फंदे पे फिर से जाली डालेंगे धागे को अपनी तरफ करेंगे और दूसरी जाली पे ये जाली दूसरी जाली पे जाली बना ली अब ये फंदे हमारे यहाँ पे सीधे इस तरीके से उल्टे तरफ से पूरा उल्टा उल्टा बनाएंगे उल्टे तरफ से बना लिया है फिर से सीधे तरफ आ गए हैं तो हमने दो जालियाँ बना ली हैं एक दो तीसरी जाली हम बना रहे हैं सेम तरीके से बनाना है जैसे हम पहली जाली को बनाएंगे उसी तरीके से देखिए पहला फंदा बनाया और ये यहाँ पे इस तरीके से पूरी जाली वाले को सीधा बना जिससे हमारे देखिए पहले हमारे यहाँ पे एक फंदा था हमारे चार फंदे हो गए इस तरीके से अब धागे को अपनी तरफ करेंगे यहाँ पे जाली बनाएंगे फिर धागा अपनी तरफ दूसरी जाली को जाली पे जो फंदे सीधे हैं उनको सीधा बनाना है और पहली जाली को भी सीधा बनाना है और दूसरी जो सीधा सीधा फंदा आएगा पहली जाली को इस सीधे फंदे पर डालेंगे हर बार और दूसरी जाली को जाली पे बनाएंगे इस तरीके से बनाएंगे तो इस तरीके से बनाते हुए इसमें हम देखेगा तीन जाली हमारी बन चुकी हैं बन रही है तीसरी जाली हम इसमें दो जाली और बना लेंगे तो इसमें हमारी पांच जालियाँ टोटल हो जाएंगी इस तरीके से बना लेते हैं आगे आपको फिर देख पांच जाली हमने हमें यहाँ पे देखिएगा बना ली है एक दो तीन चार और ये पांच। पांच जाली हमारी बन चुकी हैं अब पाँच जाली बनाने के बाद में हम बाजू के जो फंदे हैं उनको पिन में डालेंगे क्योंकि पूरी बाजू की हमें ड्रेस बनानी है तो पहला फंदा तारा दूसरे फंदे को यहाँ पे एक तीन चार पाँच छ सात सात फंदे हमने ये आगे वाले पार्ट के लिए यहाँ पे बना लिए जाली वाले फंदे तक अब ये जिस पे हम जाली बनाते हैं वो वाला फंदा है और उस फंदे को हम यहाँ से पिन में डालेंगे देखिएगा पे हम जाली डालते हैं ये बाजू के फंदे हैं दो तीन चार पाँच छ सात यहाँ पे आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह और देखिएगा ये हमारा फंदा यहाँ पर जिसमें हमने डाली जाल है, चौदह चौदह फंदे हमने यहाँ पे बंद कर लिए हैं दो चार छः सात फंदे हमारे आ गए तो जो बाजू के फंदे हैं बीच वाले देखिए इसको हमने पिन में डाल लिया है और पिन में डालने के बाद में अब आगे हमारे पीछे वाले पार्ट के फंदे तो इनको हम सीधा सीधा यहाँ पे बनाएंगे इस तरीके से टाइट करते हुए बनाएंगे जैसे बाजू बंद होती है उसी तरीके से यहाँ पे दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह तेरह फंदे हमने पीछे वाले पार्ट के बना लिए अब यहाँ पे हमारी दूसरी बाजू आ गई है तो ये दूसरी बाजू के फंदे हम फिर से पिन में डालेंगे इस तरीके से दो तीन चार पाँच छ सात आठ नौ दस ग्यारह बारह तेरह चौदह ये पिन में डाल लिए हमने फंदे अब पिन में डालने के बाद में फिर से आगे वाले पार्ट के फंदे हम जो दूसरा हमारा आगे वाले पार्ट है उसके फंदों को बना लेंगे यहाँ पे दो तीन चार पाँच छः देखना इधर हमारे फंदे क्या पिन में ज़्यादा हैं कर लेते हैं बराबर पिन में हमारा अगर एक फंदा फालतू हुआ होगा तो उनको तो देखिएगा ये हमने यहाँ पे सात फंदे पूरे हो गए हैं हमारे अब इन सभी फंदों को हम बनाएंगे तो बनाते हुए कमर बनाएंगे अब हम तो कमर बनाने के लिए हम छह सिलाई बनाएंगे इसमें दोनों तरफ से बनाते हुए जितनी कमर की लंबाई होती है उस हिसाब से बना लेते हैं आगे आपको फिर दिखाते हैं तो ये इधर से हमारी जो बाजू के फंदे थे तो हमने दोनों पिन में डाल लिए हैं और ये हमारे दोनों आगे वाले पार्ट और एक पीछे वाला पार्ट तीनों पार्टों के फंदों को हम इस तरीके से देखिएगा बनाते हुए टोटल छः सिलाइयाँ हम बना लेते हैं कमर की लंबाई के बराबर आगे आपको फिर दिखाएंगे तो देखिएगा यहाँ पे हमने छः सिलाई बनाने के बाद में एक सिलाई कमर पे ये देखिए बना दी है ब्लू कलर से अब हम घेरा बनाना यहाँ से स्टार्ट करेंगे तो पहले फंदे को ऐसे ही बनाएंगे सिंगल अब धागा अपनी तरफ यहाँ पे ये यह जाली डाल के बनाया सभी फंदों को ये जाली डाल के इस तरीके से यहाँ पे देखिएगा बनाएंगे इस तरीके से तो ये फंदे हमारे सभी डबल हो जाएंगे ये इस तरीके से तो सभी फंदों को इधर से बना लेते हैं और उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा, उल्टा बनाएंगे उल्टी तरफ से कोई फंदा हम नहीं बढ़ाएंगे सिर्फ़ ये सीधे तरफ से जाली डाल के सभी फंदों को बनाएंगे तो यहाँ पे हमारा जो जाली बनाएंगे हम उससे हमारा एक फंदा बढ़ के कम्प्लीट हो जाएगा तो ये हमारे सभी फंदे डबल हो जाएंगे है ये हमने सभी फंदों को ये बना लिए यहाँ पर डबल अब हम उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बना लेते हैं तो दिखेगा हमने सभी फंदों को बढ़ा के उल्टी तरफ से उल्टा उल्टा बना लिया है अब सीधे तरफ आ गए हैं तो सीधे तरफ से हम यहाँ पे एक दो, दो फंदे हम उल्टा उल्टा बनाएंगे बॉर्डर के लिए अब धागा पीछे करेंगे इसको सीधा बनाया एक दो दो फंदे सीधे बना लिए अब धागा अपनी तरफ यहाँ पे एक जाली डाली फिर धागा अपनी तरफ दो जाली दो जाली हमने बना ली हैं अब एक दो तीन चार चार फंदे हमने बना लिए और एक पाँच पाँच फंदे हमने बना लिए फिर से धागा अपनी तरफ एक जाली बनाई फिर धागा अपनी तरफ दो जाली बनाई फिर पांच फंदे बनाएंगे एक दो तीन चार पाँच फिर धागा अपनी तरफ एक जाली बनाई फिर यहाँ पे दो जाली फिर एक दो तीन चार पाँच फिर धागा अपनी तरफ एक जाली बनाई फिर धागा अपनी तरफ दो जाली बनाई फिर पांच फंदे बनाएंगे इसी तरीके से बनाते हुए जैसे हमने यहाँ पर दो फंदे बॉर्डर के बनाए थे इधर भी हम दो फंदे बॉर्डर के बना लेंगे और उल्टी तरफ से हम सभी को उल्टा उल्टा बनाएंगे तो उल्टी तरफ से हमने इसको उल्टा उल्टा बना लिया है अब हमारे यहाँ पर एक जाली बन चुकी है तो देखिएगा दूसरी जाली भी हम सेम तरीके से बनाएंगे दो फंदे हमने उल्टे इधर बनाए और देखिएगा उसके बाद में हमने यहाँ पे ये सीधे फंदे सीधे बनाए इस जाली वाले फंदे को भी सीधा बनाएंगे और इस फंदे पे हम फिर से यहाँ पे ये जाली बनाएंगे इस तरीके से फिर धागा अपनी तरफ दूसरी जाली को जाली पे और जो सीधे फंदे हैं उनको हम सीधा बनाएंगे तो इसी तरीके से हम पांच जालियाँ इसमें बनाएंगे जाली पे जाली बनाते हुए पांच जालियाँ बना लेंगे उसके बाद में थोड़ा सा हम इसको बिना जाली का ओके फिर धागा अपनी तरफ फिर जाली बनाई फिर धागा अपनी तरफ दूसरी जाली को जाली पे बनाया तो इसी तरीके से बनाते हुए पांच जालियां हम बना लेते हैं उसके बाद में हम थोड़ा सा बिना जाली का सीधा सीधा इसको बना लेंगे तो बना लेते हैं आगे, आगे आपको फिर दिखाते हैं देखिएगा हमने यहाँ पे पांच जाली बना ली है पांच जाली बनाने के बाद में हमने दो सिलाई यहाँ पे बिना जाली डाली देखिएगा ये सादा सादा बनाई है उसके बाद में हमने एक सिलाई ये उल्टा उल्टा ब्लू कलर से बना लिया सीधी तरफ से और उल्टी तरफ से भी अब जो हमारी दूसरी सिलाई आई है तो यहाँ पे हम दो का एक दो का एक सभी फंदों को इस तरीके से यहाँ पे बंद कर देंगे तो ये घेरा बन के यहाँ पर कंप्लीट हो जाएगा ये इस तरीके से ठीक है ये सभी फंदे हमारे हो गए बंद अब लास्ट का एक फंदा बचा है इस फंदे के अंदर से इस तरीके से धागे को निकाल के यहाँ पे इसको खींच देंगे तो ये हमारी नोट लग गई अब जो हमारी ये पिन के फंदे हैं पिन के अंदर वाले इन फंदों को हम सिलाई में डाल लेंगे तो इस तरीके से हमारा ये राजस्थानी घेरा बन के यहाँ पे कंप्लीट हो गया छोटा सा देखिएगा ये कुछ इस तरीके से हमारी ड्रेस का लुक कुछ तो इस तरीके से आएगा इस तरीके से तो हम ये पिन वाले फंदे ये फंदेगा फिर में से निकाल के और हम सिलाई में डालेंगे सभी फंदों को यहाँ पे एक करके इस तरीके से सभी फंदों को सिलाई में डाल लेते हैं ये पिन के फंदे हमने सभी सिलाई में डाले हैं बाजू वाले जो फंदे हैं हमारे अब इनको हम इस तरीके से बनाएंगे सभी फंदों को यहाँ पे तो राजस्थानी जो ड्रेस होती है उसकी बाजू ज़्यादा लंबी नहीं होती पौना बाजू होती हैं तो ये हम पौना बाजू बनाएंगे इसकी अब एक सिलाई ये बनाएंगे हम और एक हम बनाएंगे सीधे तरफ से सीधा उसके बाद में हम जैसे हमने बॉर्डर बनाया है सेम उसी तरीके से ब्लू कलर की दो सिलाई बनाएंगे यहाँ पे ये हमने बना लिया उल्टी तरफ से आगे हैं सीधे तरफ अब सीधे तरफ से इसको सीधा सीधा बना लेंगे तो यहाँ पे देखिएगा दो सिलाई हमने ऑरेंज कलर से बना ली है अब उल्टे तरफ से हमने ब्लू कलर को बना लिया है तो इधर सीधे तरफ हम ये ब्लू कलर को उल्टा उल्टा बनाएंगे इस तरीके से तो इधर से बना लेते हैं और उल्टे तरफ से भी इसको उल्टा उल्टा बना लेते हैं दोनों साइड से, से उल्टा उल्टा बना लेते हैं आगे, आगे आपको फिर दिखाते हैं देखिएगा है यहाँ पे एक सिलाई हमने उल्टे तरफ से बनाई है और एक सीधे तरफ से अब फिर से सीधे तरफ आ गए हैं तो दूसरी सिलाई है यहाँ पे तो अब हम दूसरी सिलाई पे ये सभी फंदों को यहाँ पे बंद करेंगे दो का एक करेंगे वापस से सिलाई में डाला फिर से दो का एक किया जो ये एक फंदा बचता है इसको फिर से सिलाई में डालेंगे दूसरे फंदे के साथ बंद कर देंगे और साथ के साथ हमारी देखिएगा यहाँ पे दूसरी सिलाई भी बन गई है इस तरीके से हम ये सभी फंदों को यहाँ पे बंद कर लेते हैं ये हमने सभी फंदे यहाँ पर बंद कर दिए और लास्ट का एक फंदा बचा है तो इस वाले फंदे को भी हम इस तरीके से यहाँ पे इसके अंदर से धागा निकाला और ये यह हमने यहाँ पे खींच दिया तो ये हमारी पौना बाजू यहाँ बन के कंप्लीट हो चुकी है तो इसी तरीके से हम दूसरी वाली बाजू को भी बनाएंगे जैसे हमने इस वाली बाजू को बनाया है ये ड्रेस तो बन के यहाँ पर कंप्लीट हो चुकी है अब हम जो हमारी ये बाजू हैं इनको सिलेंगे इस तरीके से देखिएगा यहाँ पे तो इसको हम यहाँ तक सिलेंगे तरीके से फ्रेंड्स देखिएगा ये हमारी यहाँ पे वीडियो बनके तैयार हो चुकी है सॉरी ये ड्रेस बनके तो वीडियो अच्छे लगे प्लीज लाइक कीजिए शेयर कीजिए और कमेंट्स करके जरूर बताइए कि आपको ये वीडियो कैसी लगी आपने चैनल को अभी तक सब्सक्राइब नहीं किया है तो प्लीज चैनल को सब्सक्राइब कीजिए तीन से चार नंबर राजस्थानी ड्रेस हमारी यहाँ पे बन गई है तो फ्रेंड्स मिलते हैं अगली वीडियो के साथ तब तक के लिए बाय बाय